नमस्ते, वेलकम टू ऑथेंटिक केरला। मेरा नाम लिया। आज मैं आप लोग के लिए केरल की एक फेमस स्वीट की रेसिपी दिखाती हूँ। दूसरा कुछ नहीं है, हमारा केरल की ब्लैक हलवा की रेसिपी। बहुत लोगों ने मुझे ये वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था और ये स्वीट पूरा फेस्टिवल के लिए भी बना भी सकते। ओके फ्रेंड्स, एक ब्लैक हलवा कैसे बनाते करके हम देखते हैं। चलो, हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाते हो केरला वाला ब्लैक हलवा की रेसिपी। उसके लिए हमको चाहिए 520 ग्राम जागरी, मतलब 250 ml की मेजरिंग कप है ना, उसमें 3 कप प्लस 2 टेबलस्पून जागरी पाउडर। ये जागरी के जगह आप लोगों को चाहिए तो पाम जागरी भी यूज कर सकते हैं। अभी एक सॉस पैन में मैंने ये जागरी क्रश करके लेके आया है, ये डाल के देती हूँ। पहले मैंने बोला है कप मेजरमेंट में बोला है तो 250 ml कप में 3 कप प्लस 2 टेबलस्पून जागरी पाउडर रहेगा करके, और इसमें मैं आधा कप पानी मेल्ट करने के लिए डालती हूँ। आधा कप मतलब 125 ml। अब ये मेल्ट करके ठंडा होने के लिए रखती हूँ। और हमको चाहिए 8 से 9 इलायची, सिर्फ इलायची फ्लेवर के लिए डालते हैं। आप लोगों को प्योर स्पाइसेस वगैरह चाहिए तो हमारा शॉप में मिल जाएगा, shop.authentickerala.in। और हमको चाहिए आवश्यकतानुसार घी, घी नहीं तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो कोकोनट ऑयल और घी आधा आधा लेके मिक्स करके डाल सकते हैं। मैंने 10 से 13 टेबलस्पून तक यूज़ किया है। और हमको चाहिए 6.5 कप कोकोनट मिल्क, मतलब फर्स्ट और सेकंड मिल पकड़ की 1625 ml कोकोनट मिल्क। फर्स्ट मिल्क और सेकंड मिल्क करके सेपरेट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को चाहिए तो रेडीमेड कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा गुनगुना पानी डाल के डाइल्यूट करके डाल दीजिए। और हमको चाहिए 1 कप राइस पाउडर, मतलब 180 ग्राम राइस पाउडर। ये राइस पाउडर की जगह आप लोगों को व्हीट फ्लोर और मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। राइस पाउडर की हलवा बहुत सॉफ्ट है। राइस पाउडर नहीं तो हमारा इडली डोसा के लिए हम यूज़ करते हैं ना, और राइस पानी में सॉफ्ट करने के बाद 10-15 मिनट कपड़ा में डाल के ड्राई करने के बाद अच्छा से ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं, रोस्ट करने के लिए ज़रूरत नहीं है। और मैंने हलवा बनाने के लिए पीतल की उरली लिया है, इसमें मैं पूरा कोकोनट मिल्क डाल के देती हूँ। आप लोगों को चाहिए तो आयन का कढ़ाई नहीं तो नॉनस्टिक का कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं। ये हलवा मैंने गैस पे नहीं चूल्हा में रख के बनाते हैं, जल्दी हो जाएगा। अभी इसमें हम थोड़ा थोड़ा राइस पाउडर डाल के लम्स वगैरह निकालने के लिए अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। पूरे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट मैंने 1.5 kg, मतलब 1.5 kg हलवा बनाने के लिए बोला है। अच्छा से लम्स वगैरह निकालना चाहिए। और इसमें हम डालते हैं पहले मेल्ट करके रखा वाला जागरी सिरप। ये थोड़ा स्ट्रेनर का अंदर से डालती हूँ क्योंकि इसमें ज़्यादा वेस्टेज रहेगा। हम अक्का वाला जागरी लिया है ना, इसलिए वेस्टेज बिल्कुल रहेगा। अगर आप लोग जागरी पाउडर ले रहे तो वेस्टेज नहीं रहेगा। आप लोगों को प्योर जागरी पाउडर और पाम जागरी पाउडर चाहिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए कितना लोगों को चाहिए करके। देखिए, मैंने हमारा स्टोर में ऐड करती हूँ, एकदम प्योर जागरी पाउडर और पाम जागरी पाउडर हमको मिलते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों की कमेंट देखी मैंने, हमारा ऑथेंटिक केरला शॉप में 2 हफ्ते के अंदर ऐड करती हूँ। अब ये पूरा अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। और इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भी डालते हैं, वो बाद में दिखाती हूँ। इलायची भी बाद में डालते हैं। अभी हमारा चूल्हा रेडी है, चूल्हा में हम ए उरली ऐसे रखती हूँ। अब ये हम कंटिन्यूस मिक्स करके देना चाहिए, हाथ निकालना मत। देखिए, अभी 5 मिनट हो गया है, थोड़ा सा थिक हो गया है। अभी हम इसमें घी डाल के देती हूँ। 3 टेबलस्पून घी पहले में डालते हैं, बीच बीच में ऐसे डालना चाहिए। अभी फिर से अच्छा से मिक्स करके देना चाहिए, कंटिन्यूस मिक्स करके देना चाहिए। अभी देखिए, पहले से थिक हो गया है, फिर से घी वगैरह डाल के मिक्स करती हूँ। देखिए, अभी हमारा ब्लैक हलवा रेडी होने वाली है।
अभी आप लोगों को डाउट रहेगा ये कैसे रेडी हो गया करके हमको मालूम पड़ेगा करके। पहले ये देखिए हलवा का मिक्स अच्छा से गाढ़ा हो गया है और बर्तन से निकाल के अच्छा से घूमने के लिए शुरू हो गया है। बाद में इसमें से ऑयल भी निकालते हैं, वो मैं बाद में दिखाती हूँ। उसके पहले हम इलायची क्रस्टर की रखा है वो डालते हैं। अच्छा से मिक्स करके देती हूँ। देखिए हलवा की मिक्स अच्छा से गाढ़ा होके घूम देना, ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी इसमें मैं थोड़ा कैशनट क्रश करके रखा है और डाल के देती हूँ। आप लोग को चाहिए तो वाइट तिल, रेसिन्स, बादाम वगैरह डाल सकते हैं। बेकरी वाला हलवा में सिर्फ यही डालते हैं। और आप लोग इसमें देखिए हलवा से ऑयल सेपरेट निकालते हैं। ऐसा दो चीज़ से हमको मालूम पड़ेगा हमारा हलवा रेडी हो गया करके। अब ये चूल्हा से निकाल के रखती हूँ। निकाल के रखने के बाद दो तीन मिनट्स और हम अच्छा से मिक्स करके देना चाहिए, क्योंकि ये पीतल की बर्तन है ना, इसलिए जलने के लिए चांसेस ज़्यादा है। अभी मैं एक केक टिन में थोड़ा कैशू नट ऐसे डाल के रखा है, इसमें हम हलवा डाल के देती हूँ। वो गरम गरम से डाल दीजिए। एक स्पैचुला से सिर्फ ऐसे शेप करके देती हूँ और एक स्पून की पीछे से ऐसे दबा की शेप करके दे सकते हैं, और नहीं तो एक ग्लास की पीछे साइड से ऐसे अच्छा से दबा की शेप करके ले सकते हैं। ऐसे दबाए तो अच्छा शेप में आएगा और एक्स्ट्रा ऑयल भी ऊपर आएगा, और एक स्पून से निकाल सकते हैं। ऑयल ज़्यादा है तो एक पेपर ऊपर रख के निकाल सकते हैं। अभी ये मैंने सेट होने के लिए ऐसे रखते हैं। आप लोगों को चाहिए तो दो तीन घंटे के बाद कट करके खा सकते हैं, लेकिन मैंने एक दिन पूरा रखते हैं, क्योंकि एक दिन पूरा रखा है तो हमारा हलवा अच्छा से सेट हो जाएगा और नेक्स्ट डे टेस्ट भी बहुत अच्छा है। कल मैं कट करके दिखाती हूँ। देखिए हमारा हलवा अच्छा से सेट हो गया है, ये हम कट करती हूँ। राइस हलवा बाकी हलवा से बहुत सॉफ्ट है, आप लोग भी ट्राई करके देखिए। देखिए हमारा हलवा बहुत बहुत सॉफ्ट है, बहुत टेस्टी है। बाद में मैं वीट हलवा और मैदा की हलवा का रेसिपी डालती हूँ। ये हमारा फेस्टिवल टाइम में बना के हमारा गेस्ट लोग को और फ्रेंड्स लोग को दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं। आप लोग ये वीडियो आप लोगों को फ्रेंड्स लोग को और रिलेटिव्स को भी शेयर करके दे दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, तब तक टाटा बाय बाय, स्टे सेफ स्टे हैप्पी।